नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और यहां पे फोकरोल फेस्टिवल 2020 होने जा रहा है डीएमडी पार्टी प्लॉट में, तो हम यहां पे उपस्थित हैं। और आज पोलैंड के जो लोग यहां पे आए हुए हैं पोलैंड से परफॉर्म करने के लिए, वो आप सब उनको देख सकते हो। और पोलैंड से जो आए हैं वो क्या परफॉर्म करने वाले हैं और कैसा फील कर रहे हैं, उनके लिए हम पूछेंगे अभी। जगदीश जी प्लीज़। मैं कृतिका शाह को कहना चाहूँगा, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ ताल, जिन्होंने ये पूरी जहमत उठाई है सूरत में इस फेस्टिवल को लाने के लिए कि वो पोलैंड की कंट्री को ये सवाल करे। कृतिका मैम, या कैन यू टेल अबाउट द डांस दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म टुडे? वी आर गोइंग टू परफॉर्म द डांस इज नेम कशोबे। दिस इज द रीजन इन नॉर्दर्न पोलैंड एंड इट इज नियर बाल्टिक सी, एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉस्ट्यूम्स रिफर टू द बाल्टिक सी। Okay, what is the name of your group and who is the your director? Okay, so the name of our group is Szczecinianie and Szczecinania. Szczecinianie. Here is our music director and here is our dance director and here is the most important person. Okay. Who is the senior person and most important person of your group? Yes. So, how do you feel to come in Surat? How are you feeling from last 2 days about food, about people, about the festival organization? Okay, we really love Surat, and we have been to the temple and it was really, really nice. So the city is great and the people are awesome, really awesome. And what's more, for us the food is really good, but really spicy. Spicy food! You are hot people and we are hot food. Yeah, exactly. And tell me about this costume. How do you make this costume? It's all handmade or a handicraft or machine made, or how do you made and how many days to make this costume it does take? It is a really long process. All the costumes are handmade. Oh. And what is interesting that on the costumes we have a gold emblems, and this is like handmade. What else is that we have amber here, that is from the Baltic Sea. Oh, Baltic. And yes, it is really special for this place. Thank you very much. And how do you excite to perform on this stage and this festival? We are really excited, so I think we should do some. How are we excited? Yeah, yes, और इतनी सुंदर कंट्री है तो हमारे कंट्री के लीडर भी बहुत सुंदर है, लीना, उमेश एंड नेहा। सो लीना, आपको कैसा लास्ट 2 दिन से एक्सपीरियंस रहा पोलैंड के साथ? उमेश जी आप भी इधर आ जाइए प्लीज इस तरफ, और दोनों मिलकर बताएं कि पोलैंड के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। पोलैंड के साथ बहुत एक्सपीरियंस अच्छा। लोग कल हमको खुद पूछ रहे थे कि यहाँ आजू बाजू एरिया में क्या है देखने लायक, तो हम लोग उमेश सर उनको टेम्पल देखने गणपति का, तो उनको बताना नहीं, पर हम लोग खुद वहाँ जाके नमस्ते किया, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, और सिर्फ पार बाद में उन लोग को एक हमारी जो चाय की पटरी थे वहाँ पे उस उन लोग को बिठाया, फिर वो लोग उनका सब गाना गा रहे थे, सब लोग आज इकट्ठा होकर उन लोग को देख रहे थे, तो ये मजा ही कुछ अलग थी। थैंक यू लीना। उमेश आपको कैसा फील हो रहा है? 2 दिन से मैं पोलैंड की टीम के साथ हूँ। पोलैंड का ग्रुप जो है वो इतना पोलाइट है, जैसे पोलैंड नाम है ऐसा पोलाइट भी है, इतने पोलाइट पीपल, वेरी पोलाइट पीपल। सो उनके साथ इतना मज़ा आ रहा है, वो एकदम फैमिली जैसा हो गया हमारा, जहाँ पे ले जाते हैं, जहाँ घूमने ले जाते हैं, खुशी खुशी घूम लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाउ डू यू फील अबाउट इंडियन कल्चर? सो ही कैन स्पीक इन पोलैंड, यू ट्रांसलेट। या सो अब यहाँ पे कुछ सुनेंगे डायलॉग्स पोलैंड लैंग्वेज में और हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिलेगा। Po prostu jest ciekawe, bardzo ciekawe, egzotyczne. Bardzo mi się tutaj podoba, prawda? Za ciepłość ludzi od serca. Exotica. And she's translating what he says. So it's really exotic and really interesting, the culture. And he really loves people because they are so polite and nice to us and really helpful. So we really like it. Thank you very much, Poland. Thank you.